नमस्कार, मैं हूं दिव्या रानी और आप देख रहे हैं जीएन भारत। झारखंड के धर्मगुरु बंधन तिग्गा कैंसर से पीड़ित हैं और फिलहाल उनका इलाज वेलोर में चल रहा है। इलाज के क्रम में डॉक्टरों ने उनके ऑपरेशन को सफल बताया है। सफल ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों की सलाह पर वे वेलोर में ही आराम कर रहे हैं। आदिवासी धर्मगुरु बंधन तिग्गा के इलाज में काफ़ी खर्च लग चुका है, जहां उनके सहयोगियों ने आपस में सहयोग कर इलाज का खर्च वहन कर रहे हैं। इधर धर्मगुरु बंधन तिग्गा के बीमार होने की खबर सुन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा रांची बुलवाकर धर्मगुरु बंधन की पत्नी को 2 लाख का चेक प्रदान किया। सहयोग करने के बाद मुख्यमंत्री के इस पहल की कुछ लोगों ने सराहना की तो कुछ लोगों का कहना था कि सहयोग राशि में इजाफा करना चाहिए था। इधर धर्मगुरु के इलाज में मुख्य भूमिका निभाने वाले झारखंड प्रभारी एस पाहन ने बताया कि धर्मगुरु की हालत में बेहतर सुधार है और उन्हें आराम करने की सलाह दी गई है। जल्द ही स्वस्थ होकर धर्मगुरु झारखंड अपने चाहने वालों के बीच पहुंचेंगे। एस पाहन ने कहा कि धर्मगुरु बंधन तिग्गा के इलाज में लगभग 15 लाख खर्च हुए हैं। इस स्थिति में मुख्यमंत्री को और बढ़ चढ़कर सहयोग करने की अपील की। झारखंड सरकार द्वारा धर्मगुरु बंधन तिग्गा के इलाज के लिए आज 2 लाख रुपया दिया गया, इसका तो धन्यवाद हम लोग करते हैं। लेकिन विदित होगी धर्मगुरु इलाज में लगभग सिलीगुड़ी में ही 1.5 लाख रुपया और CMC में जब से आए हैं हम लोग 14 तारीख से लगभग 2 लाख रुपया प्राथमिक उपचार के लिए, उसके बाद ऑपरेशन जो उनका गैस्ट्रिक कैंसर जो हुआ है उसके इलाज ऑपरेशन का 6.5 लाख रुपया और कीमोथेरेपी का भी लगभग 5 लाख रुपया खर्च आएंगे, लगभग 15 लाख रुपया खर्च है। और झारखंड सरकार ने मीडिया के माध्यम से ये वादा किया था कि समूचा खर्च झारखंड सरकार उठाएगी और ये 2 लाख रुपया मिल रहा है, तो हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि जो समूचा खर्च हमारे सरना धर्मगुरु बंधन तिग्गा से आते हैं उसे विचार करें। और ज्यादा मैं क्या कहूँ इस पर, राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा की कार्यकारिणी समिति निर्णय लेगी। इधर सरना कोर्ट के आंदोलन को लेकर आंदोलन कर रहे आंदोलन कर्मियों को भी धर्मगुरु के स्वस्थ होकर लौटने का बेसब्री से इंतजार है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।